हाथी चला हुआ है उसी का निशान है। परवल के प्लाट में हाथी घुस आया था और हफ्ते में 5 से 7 क्विंटल परवल का फसल जो निकल पा रहा था अब वो तो जीरो हो गया है। अब इसका मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो गया है और ये उसका पैर का निशान है और बीच बीच में आते ही रहता है। फिलहाल 21 तारीख को आया था और जितना बर्बाद किया है वो तो कर लिया है, इसके पहले और आए थे। मेरा नाम लखनलाल साहू है, मैं शिवम कृषि फार्म कोटमेर में काम कर रहा हूँ। यहाँ लेबर की समस्या के साथ ही साथ ज़मीन भी उतना खास ठीक नहीं है, जिस हिसाब से फसल नहीं हो पा रहा है। ड्रिप सिस्टम लगाए हैं, पानी की कम ही होगा करके उससे भी यानी पानी का तो संतोषजनक फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, बाकी पानी वानी का भी कम पड़ रहा है साथ ही साथ। हाँ बिल्कुल नुकसान हो रहा है, कई बार यहाँ बाउंड्री अंदर आ जाते हैं और फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। जिस हिसाब से फसल में आमदनी होने का सोचे रहते हैं उस हिसाब से आमदनी नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ का काम काज पूरा ठप पड़ जाता है। क्या कभी हाथी आया है आपके यहाँ? 2-3 राउंड आ चुका है। तो क्या कितना नुकसान किया? परवल का पूरा 2 एकड़ में लगा था प्लाट और दोनों को ख़राब कर दिया, साथ ही साथ करेला प्लाट भी ख़राब कर दिए। इसके पहले आए थे तो लौकी लगा था और वो फूल गोभी दोनों को ख़राब कर दिए। हाथी का उत्पाद के हिसाब से हम लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, खर्चा करते हैं उतना हमको आमदनी नहीं हो पा रहा है। जितने जगह पे हमको हफ्ते में 5 क्विंटल से 7 क्विंटल परवल निकल जा रहा था वहाँ पूरा हाथी घुस के पूरा ख़राब कर दिया। अब उसमें 5 किलो भी टूटना मुश्किल हो गया है, उसका मेंटेनेंस करेंगे वो भी मुश्किल हो जाएगा। इस नाम से परवल प्लाट और यानी मान के चलिए कुछ भी सामान लगाने से पहले सोचना पड़ रहा है। हाथी का बहुत ज़्यादा आतंक है, हाथी से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक शायद ही हम लोग यानी अब ये कृषि काम का नहीं कर पाएंगे। दिख रहा है पूरा हाथी चला हुआ है, उसी का पैर का निशान है और इस नाम से हम लोग यानी वन विभाग में क्लेम भी किए हैं, बाकी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो पाया है। अब धीरे से अब ये काम करने का रुचि जो है घटते जा रहा है। हाथी का उत्पात सबसे ज़्यादा है।